दिनों के लिए भीषण सर्दी और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड से अभी राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। लखनऊ में गुरुवार देर रात को हुई हल्की बारिश से ठंडक और बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भीषण सर्दी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। यूपी में 4 से 6 जनवरी तक भारी सर्दी की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में 5 जनवरी को कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने के आसार है। इस दौरान कुछ जगहों पर घना कोहरा और कड़ाके की ठंडक पड़ने की उम्मीद है। आगरा, हाथरस, मथुरा के इलाकों में अत्यधिक ठंडे दिन रहने की संभावना है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर में भीषण ठंड का प्रकोप है। यहाँ पर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। सीजन का सबसे ठंडा दिन गुरुवार को रिकॉर्ड किया गया। ये स्थिति अभी बने रहने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में हम इस समय NH9 पर हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखाएं। सड़कों पर आपको कोहरा ही कोहरा दिखाई देगा। दिल्ली NCR जो है वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। लोगों को मजबूरन वाहन चलाने पड़ रहे हैं लाइट जलाकर। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी ठंड है आज? बहुत ठंड है आज तो। पिछले साल से काफी है? पिछले साल से तो देखिए, पिछले साल से काफी ठंड बता रहे हैं, क्योंकि कई सालों से के मुताबिक इस बार जो ठंड है बहुत ज्यादा पड़ी है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं? सेक्टर 80 नोएडा। कितनी ठंड है आज? आज तो बहुत ठंड है, ठंड है। काफी सालों से इस बार ज्यादा है जो पिछले सालों से ठंड पड़ती है? सालों से ज्यादा ठंड है। देखिए, गलन भरी ठंड है और लोग ठंड के कारण परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आपको सड़कों पर कोहरा ही कोहरा आपको दिखाई देगा। सर्दियों में आमतौर पर रात के तापमान में कमी दर्ज होती है, लेकिन सर्द हवा की वजह से दिन में भी काफी ठिठुरन है। कानपुर और आसपास के क्षेत्र में फिलहाल बादल छाए रहेंगे और आसमान में धुंध देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल कोहरे से राहत मिलती हुई भी नहीं दिख रही। पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर देखने को मिला है। लोग ठंड से परेशान हो रहे हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इलाकों में इतनी ठंड पड़ रही है कि लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके के हालात रहने वाले हैं आने वाले दिनों में? क्या लोगों को ठंड से निजात मिलेगी या इसी तरीके के हालात बने रहेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे जी मौजूद से बात करते हैं। सर, ये बताइए, क्या लगता है कितने दिनों में लोगों को राहत मिलने वाली इस ठंड से? देखिए, जिस तरह से अभी लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मॉइस्चर फीड लगातार थ्रो हो रहा है, जब इस तरह की स्थितियां बनी होती हैं तो लगातार कोहरा बना रहता है और बड़े शहरों में धुंध भी बनी रहती है। ये स्थितियां अभी आगे बनी रहेंगी, लेकिन 2 से 3 दिन बाद फिर उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं आना शुरू होंगी कानपुर मंडल सहित पूरे गंगा के मैदानी भागों में। तो थोड़ा कोहरा छटेगा और थोड़ी धूप भी निकलेगी, लेकिन फिर शीतलहर वाली स्थिति आ सकती है और तापमान भी गिरेंगे। सर्द हवाएं लोगों को लगातार परेशान कर रही हैं। ठंड में घरों से बाहर निकले लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है और इस तरह की ठंड कई सालों बाद देखने को मिल रही है। ठंड पड़ रही है, मजबूरी में उठना पड़ता है, नहीं रजाई से कोई उठता नहीं है। सर, बहुत ठंड पड़ रही, ज्यादा मजबूरी, इतनी ठंड पड़ी नहीं है। सर, बहुत ठंड तो लगती है, यहाँ तो कुछ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली, पेड़ पौधे काफी सारे हैं, मतलब शहर के मुकाबले। अभी मैं घर से ही आया था तो वहाँ पे रूम के अंदर रहना होता है तो वहाँ पे तो इतना महसूस नहीं होता, पर यहाँ पे आके